हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉबिन की थ्योरी। ये टॉबिन की पोर्टफोलियो अप्रोच है फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बॉमल का जो मॉडल है वो पढ़ा है, बॉमल की इन्वेंटरी अप्रोच के बारे में। इस वीडियो में हम टॉबिन की थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में ही बॉमल एंड टॉबिन की एक कंबाइंड थ्योरी भी है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। UGC नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टॉबिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर कैश, ये थ्योरी 1956 में दी गई है, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस बिहेवियर टुवार्ड्स रिस्क। एंड इस थ्योरी ने कंसीडर किया है कि रिस्क एंड रिटर्न बोथ को कंसीडर किया है। एजम्पशंस क्या हैं इसमें कि जो लोग हैं वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपनी यूटिलिटी को, और इसमें यूटिलिटी जो है वो किसका फंक्शन है, वेल्थ का एंड रिस्क का। पीपल वॉन्ट टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, लोग यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यूटिलिटी किसका फंक्शन है, वेल्थ का एंड रिस्क का। तो इस थ्योरी में ना उसने ये बात की है कि जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है रिस्क को लेके, क्या वो रिस्क लवर्स हैं, क्या वो रिस्क इवर्टर्स हैं, मतलब क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क को टालना चाहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स कैन होल्ड बोथ कैश एंड बॉन्ड्स, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैश एंड बॉन्ड्स दोनों होल्ड कर सकते हैं। जो केन्स की थ्योरी थी इससे इसका यही डिफरेंस है, केन्स ने बोला था कि या तो इंडिविजुअल कैश होल्ड करेंगे या वो बॉन्ड्स होल्ड करेंगे, आइदर कैश और बॉन्ड। लेकिन बॉमल एंड टॉबिन ये दोनों की थ्योरीज ने इसमें यही बोला गया है कि वो कैश भी होल्ड कर सकते हैं, बॉन्ड्स को भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जो केन्स की थ्योरी थी, केन्स की थ्योरी में मनी का फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं लिया गया था। टॉबिन की थ्योरी में जो है उसने मनी का रोल एक्सटेंड कर दिया है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, कि जो मनी का रोल है वो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, ये बात टॉबिन ने बोली है। अच्छा आगे चलो, पीपल आर डिवर्सीफाइड दैट दे होल्ड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। डिवर्सीफाइड हैं मतलब डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का मिक्सचर जो है वो होल्ड करते हैं। इंडिविजुअल जो है रिस्क को बैड समझते हैं, रिटर्न को उससे मिलने वाले रिटर्न को जो है वो गुड समझते हैं। मनी होल्डिंग से जो रिटर्न है वो ज़ीरो का है, प्राइजेज जो है उसने कॉन्स्टेंट लिए हैं। तो UGC नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें ये दो बातें याद रखनी है। एक तो टॉबिन ने बोला है कि जो इंडिविजुअल्स है वो कैश एंड बॉन्ड्स दोनों को होल्ड कर सकता है। इसके अलावा टॉबिन ने स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी के फंक्शन को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ एक्सटेंड किया है। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो किस पे डिपेंड करती है, रिस्क एंड रिटर्न दोनों पे डिपेंड करती है, रिस्क पे भी एंड रिटर्न पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा अभी ये थ्योरी देखो, बॉमल टॉबिन थ्योरी, ये इन्होंने कंबाइन करके दी है। बॉमल एंड टॉबिन टुगेदर गेव ए थ्योरी फॉर डिमांड ऑफ मनी टू प्रूव डैट इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी इज़ लेस देन वन, ठीक है। तो इन्होंने इस मॉडल में क्या प्रूव किया है कि इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी जो है वो लेस देन वन है। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को अगर हमने समझना है, इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी क्या है, तो देखो हम प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं ना, प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। तो प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइज़ में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आता है, यही होता है ना, ठीक है। तो फिर इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी क्या हुआ कि इनकम में चेंज आने से डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज आता है। समझ लगी अभी ये बात कि इनकम में चेंज आने से डिमांड चेंज आता है, इनकम में चेंज आने से वो कम आता है। अकॉर्डिंग टू डैम बॉन्ड होल्डिंग किसका फंक्शन है, इनकम का एंड नंबर ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन। बॉन्ड होल्डिंग मतलब किसी ने अगर बॉन्ड होल्ड करनी है तो वो चीज़ किस बात पे डिपेंड करती है, एक तो इनकम पे डिपेंड करती है ये चीज़, एंड दूसरी नंबर ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन्स कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड की जो ट्रांजेक्शन हैं वो कितनी है। अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ से भी क्या करना है, देखो ये चीज़ अभी यहाँ पे पढ़ो, व्हेन आर इंक्रीजेस कैश होल्डिंग डिक्रीजेस एंड पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन द बैंक। जब भी आर इंक्रीज होगा,
आर बढ़ेगा, ये चीज़ जैसे हमने बोमल के मॉडल में भी समझी थी कि आर के इंक्रीज होने से जो लोग हैं वो अपने हाथ में पैसा कम कर देंगे, कैश को होल्ड करना अपने हाथ में कम कर देंगे, बिकॉज़ वो उस पैसे को सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन द बैंक्स, दस डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस। पढ़ा था ना हमने पिछले वाले वीडियो में कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इससे कैश होल्डिंग्स कम होगी, लोगों की डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होगी, ठीक है। वेन इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम बढ़ेगी, बोथ फॉर अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से उसकी जो डिमांड फॉर मनी है वो नहीं, जबकि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट इम्पोर्टेंट थी UGC नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम आपको रेलिवेंट मटेरियल बताया है जो कि UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अगर आपने पिछली वाली बोमल की थ्योरी नहीं देखी तो ये वीडियो ही अगर आप अकेली देख रहे हैं तो वो आपको इनकम्प्लीट नॉलेज मिलेगी। पूरी नॉलेज लेने के लिए प्लीज़ इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए। होपफुली यू लाइक दैट। थैंक यू।